बेसन लिए हैं, बेसन में थोड़ी सी नमक मिक्स किए हैं, अब इसको थोड़ी सी फेंट लेंगे, ज़्यादा गीली भी ना रहे। तेल गरम किए, उसी में से बेसन को डाल के उसको फ्राई कर लिए हैं, तल लिए हैं। आकार इसका कुछ नहीं है, जैसे मन किए वैसे ही बहा दिए तेल में, बस पक जाए। पकने दें अच्छे से, कुरकुरी थोड़ी हो जाए, बीच में गीली ना भरी रहे। गोल्डन कलर हो जाए तो निकाल लेना है। इसके बाद तेल लेंगे सरसों का, और उसमें डालेंगे लहसुन, प्याज बारीक कटा हुआ, फिर चलाते रहना है। लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें मिर्चा डालना है। फिर दोनों गोल्डन कलर हो जाए इसके बाद हल्दी डालना है, नमक अभी भी डाल सकते हैं, और लास्ट में भी, तो हम लास्ट में नमक डालेंगे, अभी हल्दी बस डाले हैं। इसके बाद पानी डाल देना है, इसके बाद माठा ले लिए हैं, माठा में थोड़ी सी बेसन मिक्स किए हैं, एक कटोरी एक कप मान लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लिए माठा में। फिर जब पानी बरकने लगे उसमें डाल देंगे वही माठा, बेसन मिक्स किए, और चलाते हैं धीरे धीरे। माठा अगर कम खट्टा है थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा खट्टा है तो कम डालें माठा, पानी ज़्यादा बढ़ा लें। नमक डाल लिए हैं, इसके बाद धीरे धीरे चलाते रहें। हल्दी थोड़ी अपने हिसाब से ज़्यादा और बढ़ा लिए हैं हम, अभी डाल सकते हैं कम लगे तो, ज़्यादा वाइट वाइट लगेगी तो हल्दी बढ़ा लीजिएगा थोड़ी सी। फिर इसको बलकाएंगे कम से कम 5-7 मिनट तक। फिर जब बलकने लग जाएगी वही डालेंगे जो बेसन का सिराए थे। फिर इसको डालने के बाद भी कम से कम 4 मिनट तक पकाएंगे, बलकाते रहेंगे। कढ़ी खाने के लिए तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।